दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर अगर आ रही झारखंड से, आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर आई है कि मुस्लिम विधायक बनेंगे डिप्टी सीएम। 29 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और झारखंड में मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बना ली है। हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने राज्य में डिप्टी सीएम पद की मांग की है, लेकिन झारखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक टीएस सिंह देव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। और टीएस सिंह देव ने कहा कि अभी तक उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात नहीं हुई है, अगर इस बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उसकी निजी राय हो सकती है। तो दोस्तों जान लेते क्या कहा है मोहन भागवत ने। आपको बता दें हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला है शख्स हिंदू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC को लेकर अफवाहों का बवंडर जारी है। सरकार अफवाह और भ्रम को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है, विपक्ष सवाल पर सवाल पूछ रही है। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भारत को प्रेम करता है, उसकी भक्ति करता है, जो भारत की उदार संस्कृति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी की पूजा करने वाला हो, वो भारत माता का पुत्र हिंदू है। आपको बता दें उन्होंने कहा इस अर्थ में 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम मिलकर सभी की उन्नति करें, ये विचार है, इस विचार को दुनिया हिंदू विचार कहती है, वो भारत का परंपरागत विचार है, भारत की मिट्टी में जन्मे सभी विचारधाराओं का वो निष्कर्ष है। लोग कहते हैं आप हिंदुत्ववादी हैं, हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों मैं एक और खबर में बोले मोहन भागवत के बयान पर अठावले बोले, सभी को हिंदू कहना ठीक नहीं। जी आपको बता दें संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया। मोहन भागवत ने कहा था कि संघ देश के 130 करोड़ की आबादी को हिंदू समाज ही मानता है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामदास अठावले ने कहा है कि ये कहना सही नहीं होगा कि सभी हिंदू हैं। वहीं भागवत के आरक्षण को लेकर दिए बयान पर अठावले ने कहा था कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, दलितों से इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। गुरुवार को रामदास अठावले ने मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ये कहना सही नहीं है कि सभी हिंदू हैं। एक समय था जब इस देश में सभी बौद्ध थे, लेकिन जब हिंदुत्व आया तो हम हिंदू राष्ट्र हो गए, लेकिन अगर भागवत को कहने का मतलब है कि सभी हमारे अपने हैं तो ये अच्छी बात है। इससे पहले रामदास अठावले ने मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए बयान पर कहा था कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, दलितों से इसे कोई भी छीन नहीं सकता, आरक्षण पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्थायी रहेगा। अगली जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिव्यांगों के लिए शुरू की है 100 विशेष बस सेवा। जाने इनमें क्या है खास बात। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिव्यांगों को गिफ्ट दिया है। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। इन बसों की संख्या 100 है। बसें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, यानी दिव्यांग लोग बिना किसी मुश्किल के इन बसों में सफर कर सकेंगे, वह आसानी से चढ़ सकेंगे और उतर भी सकेंगे। दिव्यांगों के लिए चलाई गई इन 100 बसों में हाइड्रोलिक लिफ्ट, GPS ट्रैकर, पैनिक बटन और CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इन उपकरणों के माध्यम से बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने आज और 100 बसों को हरी झंडी दिखाई है। पिछले कुछ महीने में दिल्ली की सड़कों पर काफ़ी नई बसें आ गई हैं और दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना मेरा सपना है, ताकि ये प्रत्येक निवासी के लिए आरामदेह विकल्प बन सके। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि नए राजनीतिक हैं समीकरण। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को मिला जीतन राम मांझी का साथ। जी हम बात कर रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव करीब साल भर दूर है, लेकिन वहां नए राजनीतिक समीकरण अभी से बनने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जय भीम और जय भीम
जयमीन के फॉर्मूले पर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ वे जल्द ही मंच साझा करने वाले हैं। 29 दिसंबर को किशनगंज में ओवैसी ने एक रैली बुलाई है। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल मांझी ने भी इसमें जाने का ऐलान कर दिया है। हम पार्टी के अध्यक्ष मांझी ने तो तेजस्वी यादव को भी इस रैली में चलने को कहा है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के बिहार में पांव पसारने की फिराक में है और हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने किशनगंज की सीट जीत ली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में NDA ने राज्य की 39 सीटें जीत ली थी। सिर्फ किशनगंज की सीट BJP गठबंधन नहीं जीत पाई थी और यहां पर AIMM का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा और कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। अगली जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि संजय राउत का BJP पर शायराना तंज, कहा तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। जी हम बात कर रहे हैं मुंबई से कि शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने पूर्व सहयोगी पार्टी BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि अभिमान लोगों को अक्सर सर्वनाश की राह में ले जाता है और नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर राउत ने BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। राउत ने BJP से अलग होने के बाद से ही उन पर लगातार हमलावर है और वे सोशल मीडिया के जरिए BJP पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सोमवार को भी राउत ने अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग के शब्दों का सहारा लेते हुए BJP पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वह देश महान होता है, लेकिन जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे तो समझो कि देश को गलत लोग चला रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जल्दी से एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रकाश अंबेडकर का है दावा, नवी मुंबई के खारघर और नेरुल में है 2 डिटेंशन सेंटर, 2,00,000 लोगों को रखने की है क्षमता। जी हां बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी पार्टियां CAA को देश विरोधी बताया गया है और इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। इस कानून का बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज प्रकाश अम्बेडकर ने भी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर इस कानून के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। NRC और CAA कानून के खिलाफ गुरुवार को प्रकाश अंबेडकर सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के दादर TT इलाके में धरना प्रदर्शन किया है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि NRC को लेकर मोदी या तो अनजान है या बेईमान है। जी हाँ दोस्तों ऐसा योगेंद्र यादव बोले हैं। आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में प्रदर्शन अब भी जारी है और दिल्ली में आज भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लगा दी थी। आज एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया के स्टूडेंट्स और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया है। जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी और कई संगठनों के समूह हम भारत के लोग के आह्वान पर लोग मंडी हाउस पहुंचे थे, फिर वहां से जंतर मंतर तक पहुंच गए। आज की इस प्रदर्शन की चर्चा मीडिया में भी बनी रही है और इन सब के बीच इस प्रदर्शन में शामिल स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि NRC पर PM मोदी या तो अनजान है या वो बेईमान है। वहीं योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को भी याद दिलाया जिसमें PM ने बोला था कि उनकी सरकार में NRC पर चर्चा तक नहीं हुई थी, जबकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार इसको लागू करने की बात कही है। तो दोस्तों रुख कर लेते हैं एक और खबर पे कि भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को देखते ही छात्रों ने लगाए आतंकवादी वापस जाओ के नारे। जी हां बात करें भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची थी। जैसे ही वे यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंची उन्हें छात्रों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और कहा यह जा रहा है कि ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा वहां पहुंची तो छात्रों ने आतंकवादी वापस जाओ के नारे लगाए और ये छात्र कांग्रेस के छात्र संगठन NSAUI के थे। और दोस्तों वही एक और खबर निकल कर आ रही है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की रिहाई के लिए चला ट्विटर ट्रेंड, लोगों ने की है ये मांग।
जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को दरियागंज में हुई हिंसा मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रशेखर आजाद को शनिवार सुबह जामा मस्जिद से हिरासत में लिया गया था और दिल्ली पुलिस की माने तो उन्हें भीड़ को भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ने सभी को शांति भंग और दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है कि जीएसटी रिटर्न ना भरने वाले हो जाएं सावधान, संपत्ति हो सकती है जब्त। जी, आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि टैक्स अधिकारी बैंक खातों सहित संपत्तियों की कुर्की कर सकते हैं और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार जीएसटी कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क कर सकता है। और दोस्तों, में एक और खबर निकल कर आ रही है कि व्हाट्सएप के जरिए करा सकेंगे बुकिंग। जी हाँ, बात करें गैस सिलेंडर, अब बुक करना बहुत ही आसान हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रसोई गैस की बुकिंग की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एक नया कदम बढ़ाया है। इंडियन ऑयल उपभोक्ता अब व्हाट्सएप के जरिए भी रसोई गैस की बुकिंग करा सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अपने उपभोक्ता डिलीवरी की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। मालूम हो कि इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है और इसका एक लाभ ये भी है कि अब ऐप्स के जरिए भी बुकिंग करके ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है आपने सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें, फिर से 40,000 के करीब पहुंचा सोने का भाव, 48,000 के पार हुई चांदी। जी हम बात करें, गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। मांग में बढ़ोतरी के चलते सोना फिर से 40,000 के करीब पहुंच गया है और वही चांदी की कीमत 48,000 रुपए के पार चली गई है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 116 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है और इससे सोने का कीमत 39,630 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 39,514 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।